राजस्थान में फ्री मोबाइल की स्कीम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब से शुरू की है चारों ओर महिलाओं में उत्साह छाया हुआ है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में अगर खंड की बात कर लेते हैं तो खंड स्त्री अभी तक काफी ब्लॉकों में शुरू नहीं है, तो वहां असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इस वीडियो में हम आपके तमाम जो सवाल मन में उत्पन्न हो रहे हैं कि मोबाइल कब मिलेगा, मोबाइल कैसे मिलेगा, किन लोगों को प्रथम पेज में मोबाइल मिलेगा और आपके पास कैसा मैसेज आएगा, कैसे आपको जानकारी मिलेगी, तमाम सारे इन सवालों के जवाब है आपके आज इस वीडियो हम शेयर करने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं कि ये राजस्थान में पहली बार ऐसी योजना लेकर आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो चिरंजीवी परिवार की जो महिलाएं हैं, महिला मुखिया हैं, उनको स्मार्टफोन फ्री देने की स्कीम लेकर आए हैं। इसका जो जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय शुभारंभ है कल 10 अगस्त 2023 को कर दिया गया है और प्रथम फेज में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल देने का लक्ष्य रखा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम फेज में कौन कौन सी महिलाएं हैं जो इसमें पात्र लाभार्थी होगी। तो सबसे पहले बता देते हैं कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली तमाम छात्राएं, इसके साथ ही महाविद्यालय, आईटी और पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाली छात्राएं और इसके साथ ही विधवा, एकल नारी, पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र में अगर रहते हैं तो 100 दिवस आपको नरेगा में कार्य करना चाहिए और इसके साथ ही शहरी क्षेत्र से आते हैं तो 50 दिन का शहरी रोजगार गारंटी में आपने काम किया होना अनिवार्य है। अब आपको ये मोबाइल मिलेगा कैसे, क्या इसकी दस्तावेज आपको साथ लेके जाने हैं, तो सबसे पहले आप जब भी शिविर में जाएं तो आप जनाधार कार्ड से जुड़े फोन नंबर वाला मोबाइल साथ लेकर जाएं, इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर जाएं। अब सबसे बड़ी अगर बात उठ के आ रही है तो काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि उनके पास मैसेज आ गया, हालांकि वो मैसेज सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो मैसेज अभी आप वीडियो स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है प्रिय बेनिफिशियरी जिसका नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण में चयन होना, ये चयन होने की आपको बधाई दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य स्तर द्वारा क्षेत्र अंबेडकर भवन मेड़ता सिटी, ये उदाहरण के तौर पे हमें बता रहे हैं, योजना में कैंप में आयोजन किया जा रहा है। दिनांक उक्त दिनांक को पहुंचकर अपना स्मार्टफोन मय कनेक्टिविटी इंटरनेट की प्राप्त करें, शुभकामनाएं सहित। तो ये मैसेज है आपकी योग्यता को दर्शा रहा है कि आप ये फोन पाने के लिए जो है योग्य है। इसके बाद आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद आपके पास एक मैसेज और आएगा जिसमें उस कैंप की तारीख होगी, कैंप का समय होगा, स्थान होगा, उक्त कैंप में आपको बुलाया जाएगा। जो जनाधार कार्ड चिरंजीवी कार्ड में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज आएगा। अगर मैसेज भी अगर नहीं आता है, अगर फोन बंद होता है, तो आपको स्थानीय स्तर पर निमंत्रण पत्र भी भेजा जाएगा जिस प्रकार से गाइडलाइन में बताया गया है। तो आप अभी भ्रमित नहीं हो। और मेड़ता क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं तो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है मेड़ता सिटी की, वहां बात हुई है, तो अभी किसी प्रकार की डेट है वो डिक्लेयर नहीं हुई कि मेड़ता सिटी में किस दिन मोबाइल मिलेगा। जब भी मोबाइल मिलेगा और इसका मैसेज आपके फोन पे आ जाएगा, जिसके साथ ही हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो अब रही बात कि आप जनाधार कार्ड लेके गए, जनाधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो लिंक करके लेके गए और अगर उसमें मिलने वाली, अगर 18 वर्ष से कम उम्र वाली बच्चियों अगर इसमें लाभार्थी हैं तो 18 वर्ष से कम उम्र की लाभार्थी जनाधार मुखिया को साथ लेकर जाएं। अगर आपके जनाधार में आपकी दादी या माँ आपकी उसमें मुखिया है तो उसको साथ जरूर लेकर जाएं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है, ई केवाईसी किया जाएगा वहां कैंप में पहुंचने के बाद। इसके बाद आप अपने मन पसंद की कंपनी का सिम कार्ड और इंटरनेट डाटा प्लान चुन सकते हैं। फिर आपके जो फोन आपको मिल रहा है इसमें 2-3 कंपनियों के, नोकिया हो गया, रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, एमआई का जो फोन है, 3-4 तरह की ब्रांड है वो आपको चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके मोबाइल में ई वॉलेट ऐप डाउनलोड किया जाएगा, जो है ऐप उसके अंदर सरकार द्वारा है आपको डीबीटी के जरिए 6,800 रुपए ट्रांजेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आपके उसी पैसे से जिस जो भी आप फोन ले रहे हैं अलग अलग उसकी कॉस्ट होगी, वो ही फोन और सिम के पैसे आपको डीबीटी के जरिए जो आपको राशि प्राप्त हुई उन्हीं में से वो पैसे आपको पे करने हैं। तो ये रही बात आपके असमंजस की स्थिति थी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया और जिस दिन कैंप लगेगा आपके नजदीकी उसका मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अगर आप मोबाइल किसी कारणवश बंद है तो आपको स्थानीय स्तर पर संपर्क भी किया जाएगा और आपके पास निमंत्रण पत्र भी भेजा जाएगा कि आप मोबाइल लेने के पात्र हैं। और आप ये चाहते हैं कि किसी प्रकार आप पात्र हैं और आपके पास मैसेज नहीं आया है, प्रथम फेज के लाभार्थी हैं आप, तो आप 181-181 पर कॉल करके अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप पंजीकरण आपका नहीं हुआ तो 181 पर जो टोल फ्री नंबर है 181 पर आप कॉल करके अपना पंजीकरण ही करा सकते हैं अगर आप लाभार्थी हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये जानकारी लगी और अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान।